हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना कंपनी लॉ का पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखो अभी तक हमने कंपनी लॉ के अंदर क्या क्या करा। हमने सबसे पहले मीनिंग देखा था कंपनी का, थोड़ा एक बार रिवीजन हो जाए फिर, जिससे कि पुरानी चीज़ें भूलो ना। हमने कंपनी का मीनिंग देखा था, कंपनी कम प्लस पेनिस से बनती है, ब्रेड बटर वाली चीज़ देखी थी। उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट समझा, वाई कंपनी की नीड, कंपनी की नीड क्यों पड़ी हमने ये समझ लिया। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक समझे, किसके समझे, कैरेक्टरिस्टिक समझे कंपनी के, जो सारे पॉइंट होते हैं परपेक्चुअल सक्सेशन वगैरह वगैरह, कैरेक्टरिस्टिक समझे। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, हमने कैरेक्टरिस्टिक समझे। फिर हमने डिसएडवांटेज समझे कंपनी के, कि कंपनी के क्या डिसएडवांटेज होते हैं। फिर हमने कंपनी का सिटीजन वाला कॉन्सेप्ट देखा, सिटीजन होती है कि नहीं होती। फिर हमने कॉरपोरेट वेल का कॉन्सेप्ट देखा, कॉरपोरेट वेल का कॉन्सेप्ट देखा। ये सारी चीज़ें तो हमारी बेसिक हो गई। फिर हमने इंडिया कंपनी एक्ट 2013 की जर्नी देखी, कि ये कहाँ से कंपनी एक्ट इंस्पायर हुआ है, ये कहाँ इसकी जर्नी है, वो सारी बातें हमने इसके अंदर करी। उसके बाद हमने कंपनीज एक्ट की जर्नी देख ली। फिर हमने डिफरेंस करा बहुत चीज़ों के अंदर, कि पार्टनरशिप और कंपनी में क्या फ़र्क होता है, कंपनी और हिंदू, जॉइंट हिंदू फैमिली और कंपनी और एलएलपी में, टोटल हमने 3 डिफरेंस करे। तो हमने ये सारी बेसिक बातें करी, इनमें कुछ भी याद करने का नहीं था, ये सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड थी। उसके बाद हमने शेयर कैपिटल करा। तो ये अभी तक हमने इस कंपनी वाले चैप्टर में, कंपनी लॉ चैप्टर में कर लिया। आज ये लास्ट क्लास है। आज सबसे पहले अपन करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मीटिंग ऑफ बोर्ड करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आज करेंगे, सब कुछ आज कंप्लीट हो जाएगा कंपनी लॉ। ठीक है, अब मीटिंग ऑफ बोर्ड करते हैं। मीटिंग ऑफ बोर्ड क्या होता है, देखो कंपनी बनती है, कंपनी रजिस्टर्ड होती है, कंपनी रजिस्टर्ड के बाद उसका एक डायरेक्टर होता है, उसका एक डायरेक्टर अपॉइंट होता है, डायरेक्टर अपॉइंट होता है। और ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स को अपन क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स को क्या बोलते हैं अपन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, अब देखो इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या दे रखे हैं, कंपनी बनने के बाद कितने टाइम में मीटिंग होनी चाहिए, कितने टाइम में सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो वो अपन को इसमें दे रखा है। देखो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग मतलब कंपनी बनने के बाद फर्स्ट बोर्ड मीटिंग उसके 30 डेज में होनी चाहिए। देखो इसमें सारी रटने वाली चीज़ें हैं, इनमें जो ये अपनी अपना जो पार्ट 4 है इसमें बहुत चीज़ें रटने वाली है, इसको रोज़ रिवाइज करोगे तब जाके याद होगी। मैं समझा देता हूँ, कंपनी बनने के बाद 30 डेज के अंदर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग करनी होती है। ठीक है, उसके बाद 4 बोर्ड मीटिंग पूरे साल में होनी चाहिए, एक कंपनी के अंदर 4 बोर्ड मीटिंग पूरे साल में होनी चाहिए, और उन चारों के बीच में गैप 120 से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, 120 डेज से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। अब इसको देखो ऐसे अपन समझ सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये क्या बोलता है, 120 मैक्सिमम। मतलब इसने क्या करा, 30, 16, 90, 120, 30, 16, 90, 120 ऐसे करके इसने बांट रखा है। मतलब अगर एक मीटिंग जनवरी में हुई, अगर एक मीटिंग 1 जनवरी को हुई, तो 120 डेज से पहले, 120 डेज से पहले, तो मतलब ये तो 120 हो गया, मतलब 1 मार्च से पहले, मान लो 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को सेकेंड मीटिंग होनी चाहिए। उसके बाद 120 के अंदर, मतलब चाहो तो तुम इसमें भी कर सकते हो मीटिंग, जून जुलाई के अंदर भी कर सकते हो। देखो दोबारा सुनो, ये जो 2 मीटिंग है ना, इसका गैप 120 से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, रट लो बस। ठीक है, इन 2 मीटिंग का गैप 120 से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। अगर तुम एक बार प्रैक्टिकली सोचोगे, अगर हमने 1 जनवरी को अपनी पहली मीटिंग करी, तो दूसरी मीटिंग 120 डेज के अंदर होनी चाहिए, चाहे वो तुम फरवरी में कर लो, चाहे तुम मार्च में कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 120 डेज से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए गैप। ठीक है, और टोटल कितनी मीटिंग होनी चाहिए, टोटल 4 मीटिंग होनी चाहिए पूरे साल में कंपनी के। ठीक है, बस इतना सा लॉजिक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, रटने वाली चीज़ है। देखो कितनी बोर्ड की मीटिंग होनी चाहिए, 4, कितने दिन से ज़्यादा का टाइम एक्सटेंड नहीं हो सकता, 2 मीटिंग के बीच में 120 से ज़्यादा का टाइम एक्सटेंड नहीं हो सकता। अगर नई कंपनी बनेगी तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 30 डेज के अंदर मिलना पड़ेगा। ठीक है, ये अपन ने बता दिया। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो 1 पर्सन कंपनी के अंदर, 1 पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनी के अंदर, जिसके अंदर एक मतलब एक बोर्ड मीटिंग एटलीस्ट होनी चाहिए इन हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर, एंड द गैप बिटवीन द टू शुड नॉट एक्सीड मोर देन 90 डेज। ठीक है,
वही बात है इसमें भी कि हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर का मतलब 6 मंथ्स में, देखो ये रटने वाली चीज़ है, 6 मंथ्स में एक मीटिंग होनी चाहिए, इनका कोई लॉजिक नहीं है। 6 मंथ्स में एक मीटिंग होनी चाहिए और उन 2 मीटिंग के बीच का गैप 90 डेज से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। मतलब दोनों मीटिंग से के अंदर का जो गैप है वो 90 डेज के अंदर अंदर मीटिंग हो जानी चाहिए, दूसरी वाली भी, ऐसा हमारा कंपनी लॉ बोलता है। इसमें कोई लॉजिक तो दिया नहीं कंपनी लॉ ने, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला, 30 डेज वाला रूल दिया, अगर कोई नई कंपनी बनेगी तो 30 डेज में उसकी मीटिंग करानी है। अगर कोई नॉर्मल, सारी नॉर्मल कंपनीज को 4 बार बोर्ड मीटिंग पूरे साल में करानी है और उन 4 के बीच का गैप 120 से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता। फिर जो 1 पर्सन कंपनी होती है जिसमें एक ही पर्सन होता है, डोरमेंट कंपनी होती है जिसके अंदर हमारा इनएक्टिव कंपनी होती है और स्मॉल कंपनी होती है, स्मॉल इन सब के अंदर 6 महीने में एक बार मीटिंग होनी चाहिए, मतलब पूरे साल में 2 मीटिंग होनी चाहिए और उन दो का बीच दो का जो 2 मीटिंग के बीच में गैप है वो 90 डेज से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसको रट लो, ये मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग शुड बी कंडक्टेड और उनका गैप कितना होना चाहिए, 4 का 120 होना चाहिए और जो हमारा 2 है जिसमें एटलीस्ट 2 शुड एंड हाफ, मतलब 2 मीटिंग हो गई और 90 डेज हो गया, हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग होगी तो एटलीस्ट कितनी हो गई, एटलीस्ट 2 मीटिंग हो गई, ठीक है। 6 महीने में एक, 6 महीने में एक, इसमें लिख देते हैं 1 ईच इन 6 मंथ्स, ठीक है। तो ये हमारा मीटिंग हो गया, इसमें डायरेक्ट अपन पॉइंट टू पॉइंट बातें कर रहे हैं। सेक्शन 8 कंपनी के अंदर, सेक्शन 8 कंपनी के अंदर उसको एक मीटिंग करानी होती है 6 महीने के अंदर, यही कंपनी है, पर इसमें 90 डेज वाली रिस्ट्रिक्शन हट जाती है। देखो यही चीज़ है कि देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मीटिंग इन अ ईयर इन विच वन वन ईच इन 6 मंथ्स, 1 ईच इन 6 मंथ्स प्लस देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ दैट 90 डेज, नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ 90 और 120 डेज, मतलब इनका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 2 मीटिंग, बस इतना ऐसे बात है 2 मीटिंग होनी चाहिए, कभी भी लो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब दोबारा एक और अब देखना, चलो वन, अगर सबसे पहले मीटिंग कब होनी चाहिए, 30 डेज में होनी चाहिए बोर्ड के इनकॉर्पोरेशन होते ही, सबसे पहले मीटिंग कब होनी चाहिए, 30 डेज में, नंबर 1 पॉइंट 30 डेज के अंदर, फिर कंपनी की एटलीस्ट 30 डेज में मीटिंग होनी चाहिए, 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, ठीक है, 4 बोर्ड, और उनका गैप 120 से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता। थर्ड पॉइंट क्या है, 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी डोरमेंट कंपनी, 1 पर्सन कंपनी है, मैं बहुत धीमे समझा रहा हूँ, 1 पर्सन कंपनी डोरमेंट कंपनी और जो स्मॉल कंपनी है उनके अंदर बोर्ड मीटिंग एटलीस्ट 2 होनी चाहिए ईच इन 6 मंथ्स, 6 मंथ्स में ईच होनी चाहिए और उनके बीच का गैप 90 डेज से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता, ठीक है। चैरिटेबल कंपनी, चैरिटेबल कंपनी की भी 2 होनी चाहिए, 2 सेक्शन 8 कंपनी मतलब नॉन प्रॉफिट कंपनी, चैरिटेबल कंपनी 6 मंथ्स के अंदर होनी चाहिए और उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। एक और पॉइंट दे रखा है, एक और पॉइंट क्या दे रखा है, एक और पॉइंट ये दे रखा है 1 पर्सन कंपनी। देखो मैं अभी आगे बताऊंगा तुम्हें कि जो डायरेक्टर्स होते हैं ना 1 पर्सन कंपनी के अंदर भी 15 हो सकते हैं, मतलब 1 पर्सन कंपनी का मतलब तो हुआ उसके एक मेंबर होना चाहिए, पर मैक्सिमम डायरेक्टर की लिमिट कितनी होती है, और कंपनी के अंदर 15 डायरेक्टर्स, चाहे वो 1 पर्सन कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, मैक्सिमम लिमिट डायरेक्टर्स की 15 होती है, चाहे मेंबर एक हो पर डायरेक्टर ज़्यादा हो सकते हैं 1 पर्सन कंपनी में भी। तो ये अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो 1 पर्सन कंपनी के अंदर क्या होता है, 1 पर्सन कंपनी जिसके अंदर एक डायरेक्टर है उसमें कोई मीटिंग का प्रोविजन होता ही नहीं है, उसमें कोई मीटिंग का प्रोविजन होता ही नहीं है, ठीक है। अपन ने मीटिंग ऑफ बोर्ड की बात करी, एक और बार इसको कर लेते हैं जिससे कि आप लोगों को, मेरे साथ बोलते रहो, ठीक है, जिससे कि आप लोगों के दिमाग के अंदर ये बात जाए जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग शुड बी कंडक्टेड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी विद इन 30 डेज, देयर शुड बी मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग इन आफ्टर देयर शुड बी मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग इन एन ईयर एंड द मैक्सिमम टाइम लिमिट बिटवीन द 2 मीटिंग शुड नॉट एक्सटेंड 120 डेज, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 बोर्ड मीटिंग्स इन अ ईयर एंड 1 इन 6 मंथ्स इन द केस ऑफ ओपीसी कंपनी, डोरमेंट कंपनी एंड स्मॉल कंपनी, एंड द टाइम लिमिट बिटवीन द 2 मीटिंग कैन नॉट एक्सटेंड मोर देन 90 डेज। इन द केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन टाइम लिमिट एंड कैन होल्ड 2 मीटिंग्स
इन अ ईयर इन विच इन 6 मंथ्स देयर शुड बी वन मीटिंग एंड नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ द टाइम लिमिट, दैट इज जो उनका गैप है उनके बीच में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और 1% कंपनी जिसमें एक ही मेंबर है और जिसमें एक ही डायरेक्टर, उसमें ऐसा कोई मीटिंग का प्रोविजन नहीं है, ऐसा कोई मीटिंग का प्रोविजन नहीं है। तो हमने मीटिंग और बोर्ड करी। अब देखो मेरी बात सुनो, एक मीटिंग को सक्सेसफुल होने के लिए, एक मीटिंग को कंसिडर करने के लिए, मतलब ये मीटिंग वैलिड है या नहीं है उसको कंसिडर करने के लिए एक क्वोरम होता है। क्या होता है क्वोरम? देखो अपने मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज़ नहीं बताई, पर हमारे सिलेबस में नहीं थी इसलिए नहीं बताई। अपना जो लोकसभा और राज्यसभा होता है ना, उसकी मीटिंग्स को देखो, उसकी मीटिंग्स को वैलिड मानने के लिए, उसका भी एक क्वोरम होता है, मतलब मिनिमम मेंबर्स दैट शुड बी प्रेजेंट सो एज टू मेक द मीटिंग और कंसिडर इट मिनिमम। एक मिनट रुको, अभी देखते हैं। हाँ तो अपन बोल रहे थे क्वोरम, देखो मिनिमम मेंबर्स दैट शुड बी प्रेजेंट इन अ मीटिंग सो एज टू कंसिडर द मीटिंग एज वैलिड। मान लो कभी ऐसा हुआ, आज तक हुआ नहीं ना आगे होगा, लोकसभा में एक ही मेंबर आया, और कोई बिल को अकेला मेंबर पास करके चले गया, तो वो लोकसभा की जो कार्रवाई है, जो लोकसभा की मीटिंग है, वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। नल एंड वॉइड हो जाएगी, क्यों हो जाएगी? क्योंकि लोकसभा के अंदर एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है, शायद 1/10 होता है, मतलब टोटल का 1/10। तो कितना हुआ हमेशा, देखो ये शायद बता रहा हूँ, 1/10 मतलब 53, 53 मेंबर्स एग्जाम्पल की तरह पे ले सकते हैं। अगर लोकसभा और राज्य लोकसभा में 1/10 हो गए, मतलब 53 मेंबर्स प्रेजेंट हो गए, तभी जाके लोकसभा की प्रोसीडिंग्स को कंसिडर करा जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं क्वोरम। क्वोरम का मतलब दोबारा देखो मैं बताऊँ, मिनिमम मेंबर्स दैट आर प्रेजेंट इन एन मीटिंग टू कंसिडर इट एज वैलिड, दैट इज क्वोरम। क्या होता है कि कोई बड़ी चीजें होती है, लोकसभा होता है, उसमें मिनिमम इतने मेंबर होने चाहिए तभी लोकसभा की प्रोसीडिंग्स को वैलिड मानेंगे। अगर एक दो लोग हो गए और एक दो लोग कोई इंपॉर्टेंट बिल पास करके चले गए, तो क्या वो बिल बन जाएगा? नहीं बन सकता, क्योंकि लोकसभा की वो प्रोसीडिंग्स को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी, क्योंकि मिनिमम मेंबर्स जो कि 1/10 होते हैं वो थे ही नहीं। अब देखो, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे आते हैं अपन। देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या बोलते हैं, 1/3 और 2 डायरेक्टर्स, विच एवर इज हायर इज द क्वोरम फॉर अ मीटिंग, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी अवेलेबल टू सेट द मीटिंग एज वैलिड। डायरेक्टर्स कैन पार्टिसिपेट वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वही बात बोली है कि क्वोरम क्या होता है कि देखो, मीटिंग में मीटिंग हो गई, चार बोर्ड मीटिंग करनी है, मान लो चार बोर्ड मीटिंग करनी है, एक दो जने आए मीटिंग कर गए, 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 इस मीटिंग का कोई मतलब हुआ? नहीं हुआ। कोई डायरेक्टर आया? नहीं हुआ। कंपनी कौन चलाता है? डायरेक्टर चलाता है। तो एक क्वोरम डिसाइड हुआ है कि ईच मीटिंग के अंदर 1/3 डायरेक्टर्स या फिर 2 डायरेक्टर, 1/3 डायरेक्टर या फिर 2 डायरेक्टर तो होने ही चाहिए, तभी उस मीटिंग को इस ब्रैकेट में कंसीडर करा जाएगा कि आपने चार मीटिंग करनी थी, आपने एक मीटिंग कर ली, आपको दो करनी थी, आपने एक मीटिंग कर ली। तो मिनिमम इतने क्वोरम होता है, 1/3 ऑफ डायरेक्टर शुड बी प्रेजेंट सो एज टू कंसीडर दैट मीटिंग एज वॉलिड वैलिड। तो हमने ये मीटिंग ऑफ बोर्ड कर ली, ये नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएंगे, चिंता मत करना, और इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है मॉड्यूल में, ठीक है? मैंने बहुत ढंग से कवर कर रहा हूँ इन चीज़ों को। कंपनी लॉ सबसे बड़ा चैप्टर था, इसलिए टाइम भी लगा। कोई नहीं, टाइम से जो काम हुआ अच्छा हुआ, टाइम लेकर काम हुआ अच्छा हुआ, ठीक है? अब अपन बात करते हैं शेयर होल्डर मीटिंग की। मतलब अभी तो अपन ने डायरेक्टर्स की मीटिंग की बात करी कि डायरेक्टर्स को कब कब मिलना चाहिए, अभी तो अपन ने डायरेक्टर्स की मीटिंग की बात करी। अब अपन बात करते हैं जो मेंबर्स होते हैं,
वो कब मिल सकते हैं, मतलब मेंबर्स की मीटिंग। मेंबर्स कौन होते हैं? जो कंपनी के शेयर खरीदते हैं। अपन ने चैप्टर, अपन ने इसका यूनिट वन में, इसका जब पार्ट वन था उसमें डिस्कशन करा था कि शेयर, कंपनी शेयर रिलीज करती है तो मेंबर उस शेयर को खरीदता है। तो मेंबर्स की मीटिंग को क्या बोलते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग। मेंबर्स की मीटिंग सारे मेंबर्स के साथ और सारे डायरेक्टर्स के साथ जो होती है उसको बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, AGM। AGM देखो, इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस द एक्टिविटीज ऑफ कंपनी। इट प्रोवाइड्स एन प्लेटफॉर्म टू द मेंबर्स टू एक्सप्रेस देयर विल इन रिगार्ड टू द मैनेजमेंट एंड अफेयर्स ऑफ द कंपनी। वरना जिसने ये शेयर खरीदे, मेंबर्स, वो तो कुछ बोल ही नहीं सकता कंपनी में। क्यों नहीं बोल सकता? इसकी कोई बात ही नहीं मानेगी, ये तो एक शेयर होल्डर है सिर्फ। जैसे रिलायंस के कितने लोगों ने शेयर खरीदे, अब उन सब लोगों ने जिन्होंने शेयर खरीदे हैं और जो उनके डायरेक्टर्स हैं, उनकी एक मीटिंग होती है जिसमें इन मेंबर्स की भी ओपिनियन लेते हैं कि कंपनी कैसे काम कर रही है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है या नहीं है, तो इनके ओपिनियन लेते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? एनुअल जनरल मीटिंग होते हैं। जितने डिसीजन होते हैं ना कंपनी के, वो देखो कंपनी किससे बनती है? कंपनी डायरेक्टर से बनती है और कंपनी उसके मेंबर से बनती है। तो जब कंपनी के डायरेक्टर्स और मेंबर्स एक साथ मिलके मीटिंग करेंगे उसको बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। और इस एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर ही मेजर डिसीजंस होते हैं कंपनी के। अभी अपन आगे बात करते हैं कौन कौन से मेजर डिसीजंस होते हैं कंपनी के, ठीक है? तो एनुअल जनरल मीटिंग हो गया। अब देखो, एक होनी चाहिए, इसका रूल भी है, शुड बी हेल्ड वंस, मतलब एक मीटिंग तो पूरे साल में होनी ही चाहिए। AGM की बात कर रहे हैं, एनुअल जनरल मीटिंग पूरे साल में एक बार तो होनी ही चाहिए। देखो इसका टाइम क्या गिवन है, 9 AM से 6 AM के बीच में किसी भी दिन हो सकती है, बस वो दिन नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए। 9 AM टू 6 PM के दिन, 9 AM टू 6 PM से किसी भी टाइम हो सकती है, पर वो नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए। अब देखो गैप, 2 AGM के गैप 15 मंथ का या फिर 6 मंथ्स बिफोर द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। देखो मेरी बात, इसको अपन समझते हैं। देखो आज हमने, ये हमारा जनवरी से दिसंबर है, ये कब का? 2019 का है, ठीक है? हमने फरवरी में, फरवरी फरवरी के अंदर हमने मीटिंग करी। तो अब ये क्या बोलता है कि नेक्स्ट मीटिंग, हमने एक मीटिंग कर ली, हमारा एक ही मीटिंग करने का काम था, तो नेक्स्ट मीटिंग के गैप मतलब 15 मंथ से कम, ये यहाँ तक तो 12 मंथ हो गए, फरवरी मार्च अप्रैल, फरवरी मार्च अप्रैल, 13 14 मई, मतलब मई से पहले पहले, मई से पहले पहले नेक्स्ट मीटिंग हो जानी चाहिए। मतलब गैप बिटवीन द टू मीटिंग शुड नॉट एक्सीड बाय 15 मंथ्स और 6 मंथ्स बिफोर द क्लोजिंग ऑफ दैट रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब 6 मंथ, जो उनका फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होगी ना, उससे 6 मंथ्स पहले ये मीटिंग हो जानी चाहिए, तब जाके ये मीटिंग, तब मतलब ये कंपलसरी। अब देखो इसमें कुछ याद कर, इसमें रटने की चीज है कि 2 AGM के बीच का गैप कितना होना चाहिए? 2 AGM के बीच का गैप 12 महीने से 15 महीने से कम होना चाहिए, और या फिर जो उनका रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर है जिसमें क्लोजिंग करते हैं उससे 6 महीने पहले AGM कंडक्ट हो जानी चाहिए। दोनों में से जो भी पहले होगा उससे पहले AGM कंडक्ट हो जानी चाहिए। तो ये रटने वाली चीजें, गैप बिटवीन द टू AGM शुड नॉट एक्सीड मोर देन 15 मंथ्स, 15 महीने का गैप नहीं होना चाहिए, या फिर 6 मंथ्स ऑफ दैट क्लोजिंग ऑफ दैट रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है? और वो कहाँ होनी चाहिए? वो रजिस्टर, देखो मेरा वेस्ट बंगाल में, वेस्ट वेस्ट बंगाल में मेरा ऑफिस रजिस्टर्ड है, तो मैं अपनी कंपनी की मीटिंग उसी लोकेशन पे मेरे रजिस्टर्ड ऑफिस पर करा सकता हूँ, या फिर वेस्ट बंगाल में कहीं पर भी करा सकता हूँ, ऐसा नहीं महाराष्ट्र में करा रहा हूँ, समझ रहे हो? या तो मैं अपने ऑफिस, जो मेरा ऑफिस है रजिस्टर्ड, उधर करा लूँ, या जहाँ मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है, सॉरी, तो या तो जहाँ मैं, जहाँ मेरा ऑफिस लोकेशन है वहां करा लूँ, या जो मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है वेस्ट बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल में कहीं पर भी करा लूँ। मान लो मेरे ऑफिस में जगह नहीं है, बहुत सारे लोग आने वाले रहे, तो मैं कोई और जगह पर रेंट पे लेके करा लूँ, पर वो जगह वेस्ट बंगाल के अंदर ही होनी चाहिए। मतलब जिस स्टेट में मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस है उस स्टेट, उस सिटी, उस टाउन के बाहर मैं नहीं जा सकता। तो ये अपना कॉन्सेप्ट हो गया मीटिंग का, कि
किसकी मीटिंग का? शेयर होल्डर की मीटिंग का। अब एक और बार पढ़ लेते हैं। देखो एनुअल जनरल मीटिंग की किसकी होती है? मेंबर्स की होती है। मेंबर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है जो अपने डायरेक्टर्स होते हैं उनसे बातचीत करने का, उनके सामने अपने ओपिनियंस रखने का। पूरे साल में एक होना जरूरी है, उसका टाइम 9 PM से 6 PM का है, और दो AGM के बीच का गैप 15 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 15 मंथ बोल लो या फिर 6 मंथ बिफोर द क्लोजिंग ऑफ दैट रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर बोल लो, ठीक है। और कहाँ पर होनी चाहिए? शुड बी हेल्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, या तो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में होनी चाहिए या फिर एनी अदर प्लेस इन दैट सेम सिटी वेयर इट इज रजिस्टर्ड। जहाँ पर रजिस्टर्ड है उसमें कई और जगह वो रेंट पे लेके AGM कंडक्ट करा सकते हैं, AGM कंडक्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो अपने इसकी बात हो गई। अब अपन बात करते हैं बिजनेस। देख हाँ, तो अपन ने ये कर लिया। अब देखो बिजनेस मैटर्स, देखो बिजनेस बिजनेस प्रपोजल्स, बिजनेस रिक्वेस्ट या बिजनेस मैटर्स दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं ऑर्डिनरी, एक होते हैं ऑर्डिनरी और एक होते हैं अपने स्पेशल। एक होते हैं ऑर्डिनरी और एक होते हैं अपने स्पेशल। दो तरीके की होती है, एक तो ऑर्डिनरी होती है और एक स्पेशल होती है। तो ये जो ऑर्डिनरी वाली होती है ना, ये सिर्फ एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर ही डिस्कस हो सकती है, और कोई जनरल मीटिंग होती है ना बोर्ड की उसमें डिस्कस नहीं हो सकती। और ये जो स्पेशल है ना, ये AGM में भी हो सकती है और बाकी मीटिंग्स में भी हो सकती है। देखो दोबारा सुनो, बिजनेस मैटर्स दो तरीके के, एक होते हैं हमारे ऑर्डिनरी मैटर्स जो सिर्फ AGM के अंदर ही डिस्कस हो सकते हैं, जो सिर्फ जो साल में एक बार होती है ना AGM, सिर्फ उसमें ही डिस्कस हो सकते हैं जब कंपनी के अंदर सारे डायरेक्टर्स और सारे मेंबर्स प्रेजेंट हो। और जो स्पेशल होती है वो AGM में भी हो सकती है और वो नॉर्मल मीटिंग्स में भी डिस्कस हो सकते हैं। अब देखना मेरी बात, इसमें सेक्शन अभी तक बहुत कम आया है मेरे हिसाब से। सेक्शन 2 आया है एक, और सेक्शन 8 आया है हमारा। ये दो ही सेक्शन आया है अभी तक याद करने वाले। अब हमारे अपनी मॉड्यूल के अंदर ये दो और दे रखे हैं। जो ऑर्डिनरी होता है उसका क्लॉज क्या है? 102(2)(a). जो स्पेशल होता है उसका क्लॉज क्या है? 102(2)(b). किसका क्लॉज है ये? कंपनीज एक्ट का क्लॉज है, ठीक है। ये किसका क्लॉज है? सॉरी ब्लर हो गया था। ये किसका क्लॉज है? कंपनीज एक्ट का क्लॉज है। ऑर्डिनरी हो गया, स्पेशल हो गया। ऑर्डिनरी के अंदर देखो क्या होते हैं, कैन बी डिस्कस्ड ओनली एंड AGM। इसमें क्या होते हैं? चार होते हैं। देखो जो ऑडिटर्स होते हैं, जो कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की ऑडिट करके जाता है कि कंपनी सही चल रही है नहीं चल रही, उसके रिपोर्ट पे डिस्कशन और उसके रिपोर्ट पे सारी चीज़ें कहाँ होती है? एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर होता है, ठीक है। उसकी रिपोर्ट पे सारा डिस्कशन कहाँ होता है? एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर ही हो सकता है। डिविडेंड, कंपनी ने इस साल कितना प्रॉफिट अर्न करा, इसका डिक्लेरेशन कहाँ होगा? एनुअल जनरल मीटिंग में होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी का डायरेक्टर, हेलो हेलो आज हमने इतना प्रॉफिट अर्न करा, ऐसा नहीं होता। एनुअल जनरल मीटिंग में ऑफिशियली डिक्लेरेशन होता है, ठीक है। उसके बाद अपॉइंटमेंट, न्यू डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कहाँ होता है? एनुअल जनरल मीटिंग में होता है। ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट कहाँ होता है? एनुअल जनरल मीटिंग में होता है। ADDA, अड्डा ऑडिटर्स, डिविडेंड डायरेक्टर्स, देन अगेन ऑडिटर्स। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर इससे याद करो तो करो, ठीक है। तो अपना क्या हो गया? द बिजनेस मैथड दैट कैन ओनली बी डिस्कस्ड इन AGM आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, लाइक द प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्ट गिवन बाय ऑडिटर्स, डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉफिट कैन ओनली बी प्रेजेंटेड इन एनुअल जनरल मीटिंग इन विच ऑल द मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स टुक पार्ट देयर पार्टिसिपेशन। अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू डायरेक्टर्स कैन ओनली बी हेल्ड इन AGM, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स एंड द फिक्सेशन ऑफ देयर सैलरी, मतलब ऑडिटर को अपॉइंट करना और उसकी सैलरी फिक्स करना, ये सारी चीज़ें कहाँ होती है? ये ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर्स होते हैं और ये सिर्फ एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर ही कंसिडर हो सकती है। अब अपन बात करते हैं स्पेशल बिजनेस की। स्पेशल बिजनेस क्या होता है? एक्सेप्ट दिस ऑल द बिजनेस आर कॉल्ड स्पेशल बिजनेस, दे कैन ऑल्सो बी डिस्कस्ड इन AGM, मतलब इसको अपन AGM में भी डिस्कस कर सकते हैं, इसको अपन AGM में भी डिस्कस कर सकते हैं और अदर मीटिंग्स में भी डिस्कस कर सकते हैं। अदर मीटिंग्स अपन बाद में पढ़ेंगे, अदर मीटिंग्स अपने मॉड्यूल में नहीं है। सिर्फ एनुअल जनरल मीटिंग होती है जो कंपनी की बहुत बड़ी मीटिंग होती है जिसमें सारे उसके शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट करते हैं और अपना ओपिनियन रखते हैं। तो ये अपन ने ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस बिजनेस का कर दिया। अगर कंपनी जो मीटिंग प्रिस्क्राइब करी है ऊपर की, एनुअल जनरल मीटिंग 1 होनी चाहिए,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 4 होनी चाहिए, अगर वो 1 पर्सन कंपनी है तो 2 होनी चाहिए, 6 महीने में 1 होनी चाहिए। जितनी चीज़ें अपन ने ऊपर डिस्कस करी है, अगर वैसी मीटिंग्स के अंदर कुछ भी कंप्लाई नहीं होता, मान लो कंपनी ने एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट ही नहीं करी, तो वो जो रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर होगा उसके पीछे उसको 1 लाख रुपीज़ का फाइन लगाएगा, और अगर उसके बाद भी वो मीटिंग नहीं कर रहा तो उसके बाद उसको 5,000 रुपीज़ पर डे का फाइन देना पड़ेगा। तो उसको 5,000 रुपीज़ पर डे का फाइन देना पड़ेगा। देखो ये पेनल्टी है, अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम ये करेंगे, तो ये क्या चीज़ है, पेनल्टी है। अगर आपने मीटिंग्स जैसे प्रिस्क्राइब्ड है हमारे कंपनी लॉ में वैसे कंडक्ट नहीं करी, तो हम आप पे 1 लाख रुपीज़ फाइन और 5,000 रुपीज़ का पर डे का फाइन लगाएंगे। 5,000 रुपीज़ पर डे का हम आपके ऊपर फाइन लगाएंगे। तो ये हमने क्या कर लिया, हमने शेयर होल्डर मीटिंग कर ली और डायरेक्टर्स की मीटिंग कर ली, एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में डिस्कस कर लिया, और दो तरीके के बिजनेस मैटर्स होते हैं, एक सिर्फ एनुअल जनरल मीटिंग में ही अपन उठा सकते हैं और दूसरे बिजनेस मैटर्स होते हैं जो अपन किसी भी अदर मीटिंग में उठा सकते हैं, और अगर अपन ने ये सारी चीज़ें को फॉलो नहीं करा तो अपन को पेनल्टी देनी पड़ेगी, अपन को पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो अपन ने इतना डिस्कस कर लिया, अब देखो आगे चलते हैं। अब मीटिंग के अंदर भी देखो ये मॉड्यूल में गिवन नहीं है, पर ये इंफॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छी है। इन मीटिंग्स के अंदर है ना दो तरीके से, जैसे अपने लोकसभा राज्यसभा के अंदर भी होता है कि अगर अपन ने कोई बिल पेश करा तो वो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने वाला बिल होता है तो उसके लिए अपन को स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, और अगर वो नॉर्मल बिल है तो उसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, मेजोरिटी सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। तो इसके अंदर भी दो तरीके के प्रपोजल रख सकते हैं, अगर कोई अच्छा सिंपल सा प्रपोजल होता है वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से मतलब सिंपल मेजोरिटी से पास हो सकता है, और अगर कोई स्पेशल रेजोल्यूशन हो मतलब कंपनी के MOA AO को अमेंड करने वाला कोई रेजोल्यूशन हो तो उसके लिए 75% अप्रूवल जरूरी है। ये एक बार पढ़ लेना है, पढ़ लेना मतलब एक बार देख लो, दो तरीके के रेजोल्यूशन होते हैं, ऑर्डिनरी और सिंपल। ऑर्डिनरी में सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है और सिंपल रेजोल्यूशन में 75% मेजोरिटी चाहिए होती है किसी चीज को अप्रूव कराने के लिए, ठीक है। अब देखो CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR क्या होता है, देखो CSR अगर कोई कंपनी इसकी कैटेगरी में आती है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा, अगर कोई कंपनी ₹5 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट करेगी, रुपीस अगर कोई जज कोई कंपनी अगर कोई कंपनी 5 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट करेगी तो उसको 2% प्रॉफिट, जो उसका 2% प्रॉफिट है वो CSR की एक्टिविटीज में लगाना पड़ेगा। दोबारा समझना, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस वर्ड का वर्ड से क्या लग रहा है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब किसी कॉरपोरेट की किसी कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोले तो एजुकेशन के फील्ड, पावर्टी के फील्ड, ये सारी फील्ड भी अपन अभी डिस्कस करेंगे। तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई इसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्राइटेरिया होता है, अगर कोई कंपनी 5 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट करे तो उसको अपने 2% प्रॉफिट का CSR की एक्टिविटीज में लगाना कंपलसरी होता है। अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, वही पेनल्टी होगी, वही पेनल्टी होगी, ठीक है। अपन अभी डिस्कस कर लेते हैं ये क्या चीज है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहाँ पर गिवन है, ये शेड्यूल 7 में गिवन है, देखो ये याद कर लेना, शेड्यूल 7 में गिवन है, ये इतनी ये मत सोचना इंपॉर्टेंट नहीं है, शेड्यूल 7 अपन को ध्यान होना चाहिए, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है। अब देखो ये मैंने यही बोल रहा हूँ, मैं रटने वाली चीज़ें सब आपको जब 2-3 बार पढ़ोगे तब आपको याद होगी। हर कंपनी जिसका नेटवर्थ, जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ के ऊपर है, नेटवर्थ 500 करोड़ के ऊपर है, चलो नहीं है हमारी बच गए, टर्नओवर जिसका 1,000 करोड़ के ऊपर है, या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ के ऊपर है, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ के ऊपर है, अगर इन 3 में से आपकी कंपनी किसी भी क्राइटेरिया में फॉल करती है तो आपको इमीडिएटली CSR कमेटी बनानी पड़ेगी, CSR कमेटी बनानी पड़ेगी। देखो कंपनी की नेटवर्थ 5,000 करोड़ से ज्यादा है, 500 करोड़, सॉरी 500 करोड़ से ज्यादा है, नेट सेल का मतलब टोटल सेल कितनी हुई, टोटल सेल कितनी हुई 1,000 करोड़ से ज्यादा है, और टोटल प्रॉफिट
टोटल प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है, मतलब जो हमें सारी सेल करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट निकला, अरे दुकान जो शॉप वाला है वो 10 रुपीज का लेस सेल करता है तो उसको, ये तो इसका टोटल नेट सेल हो गया और उसमें उसको 1 रुपीज का प्रॉफिट होता है पर पैकेट पे, 1 रुपीज का प्रॉफिट होता है तो वो उसका टोटल प्रॉफिट है। तो नेट सेल्स तो 1000 करोड़ की हो सकती है, 1000 करोड़ की हो सकती है, पर नेट प्रॉफिट हमारा 50 करोड़ का, 5 करोड़ का होना चाहिए। अगर किसी भी क्राइटेरिया में अपन फॉल कर जाते हैं, अगर कोई कंपनी इन तीनों में से किसी भी क्राइटेरिया में फॉल कर जाती है तो उसको इमीडिएटली सच कंपनी शैल इमीडिएटली कंस्ट्रक्ट अ सी एस आर कमेटी उसको इमीडिएटली बनानी पड़ेगी, और उसको जो सी एस आर पॉलिसी है उसके तहत इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वो अपन अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन ने कमेटी बना ली। अब क्या होता है, कितना परसेंट करो, एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी शुड बी स्पेंड। मतलब देखो ऐसा भी तो होता है कि आज तो मेरे को 10 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, पर ये आज ही हुआ, इससे पहले तो मेरे को 6 करोड़ का प्रॉफिट था और इससे पहले तो मेरे को 2 करोड़ का ही प्रॉफिट था, 2 करोड़ का ही प्रॉफिट था। तो मेरे को आज इसको है ना, एक काम करो 3 कर लो, देखो मेरे को आज 5 करोड़ के ऊपर का, इस ईयर में मेरे को 5 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट हुआ, तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि इस पे आपका 2% निकालेंगे, ये लोग ऐसा नहीं करते, ये लास्ट के 3 ईयर्स का एवरेज लेकर 10 प्लस 3 प्लस 2 15, 15 बाय 2 दैट इज 15 बाय 3 दैट इज 5, 5 करोड़ पे 2% निकालेंगे, 5 करोड़ पे 2% निकालेंगे। दोबारा समझो, आज मेरे को 10 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, आज बोले तो इस साल में मेरे को 10 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, तो ऐसा नहीं होता 10 करोड़ का 2% निकालेंगे, ऐसा नहीं होता। और पिछले साल तो मेरे को 3 करोड़ का ही हुआ था, और उससे पिछले साल तो मेरे को 2 करोड़ का ही हुआ था, तो लास्ट के 3 आपके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एवरेज, एवरेज बोले तो ऐसे एवरेज निकाल के जो अमाउंट आएगा उस पे आपको 2% सीएसआर पे देना पड़ेगा, उस पे आपको 2% सीएसआर पे देना पड़ेगा। अगर कोई भी डाउट हो मेरे को पिंग कर लेना, मैं दोबारा समझाऊंगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे है, नोट्स ग्रुप में अपडेट हो जाएंगे, चैप्टर्स धीरे धीरे कंप्लीट हो रहे हैं, तो इसी बात पर सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, पब्लिसिटी ज़रूरी है। ठीक है, एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी शुड बी स्पेंड, शुड बी कंपनी मेड ड्यूरिंग द लास्ट 3, मतलब एवरेज निकाला लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का एवरेज निकाला, और उसका जो 2% आया उसको अपन को सीएसआर में इन्वेस्ट करना है। मान लो मेरी कंपनी का फर्स्ट ईयर और ये मेरी कंपनी का सेकेंड ईयर है, तो इसमें मेरे को 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और इसमें मेरे को 6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, मतलब मेरी कंपनी तो अभी जस्ट चालू हुई है, मेरे तो पीछे के 3 लोग है ही नहीं, पीछे के सिर्फ एक ही लोग है, ठीक है, पीछे के 3 लोग अपने नहीं है, तो क्या करना होगा, तो जो प्रीसीडिंग सिर्फ सिर्फ आपके पिछले वाले ईयर को कंसिडर करके हम 2% निकाल लो। देखो आपका 6 करोड़ हो गया इस साल, तो आपको सीएसआर तो देना ही पड़ेगा, आप 5 करोड़ के ऊपर जा चुके हो, पर हमारा पीछे का 3 तो है ही नहीं, तो हम एवरेज नहीं निकाल सकते, तो जो लास्ट ईयर है ना उसका आप 2% दे दो, लास्ट ईयर का आप 2% दे दो। देखो अगर अगर 3 आपके पिछले फाइनेंशियल ईयर है तो तीनों का एवरेज निकाल लो, अगर मान लो 3 नहीं है तो लास्ट ईयर पे 2% दे दो। ठीक है, ये बात अपनी हो गई। अब देखो ये जो सीएसआर कमेटी होती है, ये जो सीएसआर कमेटी होती है, एक मिनट रुको, सीएसआर कमेटी, तो ये जो अपनी सीएसआर कमेटी होती है, इस कमेटी में कौन कौन होते हैं, 3 से ज्यादा डायरेक्टर होने चाहिए इस कमेटी में और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। देखो रट लो रट लो रट लो रट लो, हमारी एक सीएसआर कमेटी बन जाएगी अगर हम किसी भी क्राइटेरिया में फॉल कर जाते हैं, और उस सीएसआर कमेटी में कौन होना चाहिए, 3 से ज्यादा डायरेक्टर होने चाहिए और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसको बोलते हैं, जिसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं, जिसने कंपनी के 1 रुपए का भी शेयर नहीं खरीद रखा, ठीक है, हु डज नॉट होल्ड एनी शेयर इन द कंपनी एंड हैव रोल्ड नो रिलेशन विद इट, सिर्फ कंपनी से सैलरी लेता है और बाकी उसका कोई रिलेशन नहीं है,
तो जो CSR कमेटी है इसमें 3 से ज़्यादा डायरेक्टर होने चाहिए और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एटलीस्ट होना ही चाहिए। इसका कहाँ गिवन है? इसका शेड्यूल 7 में गिवन है, ठीक है, शेड्यूल 7 में गिवन है। आप देखो मेरी बात, आप अपन ये डिस्कस करते हैं। जो CSR का आज का जो आपने CSR कमेटी का जो फंड बनाया है, जो CSR कमेटी है वो अपना पैसा 3 साल में इन्वेस्ट कर सकती है, वो 3 ईयर्स में इन्वेस्ट कर सकती है। ये एक प्रोविजन होता है, ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में आपने आपका CSR बन गया, 2% आपका 10 करोड़, 2 करोड़ निकल गया, अभी 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 इन्वेस्ट करो। भाई 2 करोड़ रुपए हैं, ऐसे थोड़ी इन्वेस्ट होते हैं, ढंग से इन्वेस्ट हो गए। CSR कमेटी इसलिए तो बनाई है, कमेटी जा जा बताएगी वहां वहां इन्वेस्ट करेंगे, तो इसको 3 ईयर में, अगले 3 साल में आप इन्वेस्ट कर सकते हो आराम से। तो यही चीज लिखी है, सच अमाउंट शैल बी स्पेंड बाय द कंपनी इन परसुएंस ऑफ इट्स ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स द CSR पॉलिसी विद इन द पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर। अगर मान लो 3 साल में, अगर मान लो 3 साल में ये स्पेंड नहीं कर पाया, तो 30 डेज के अंदर, 3 साल के बाद 30 डेज में आपको ये चीज, ये ट्रांसफर करना पड़ेगा। ट्रांसफर कहाँ करना पड़ेगा? CSR पॉलिसी में काफी फंड्स दे रखे हैं, फंड के अंदर आपको जैसा गवर्नमेंट बोले उस जगह पर आपको ये मनी ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट अपने आप स्पेंड करेगी। देखो, या तो आप इसको 3 साल में इन्वेस्ट कर दो, अगर 3 साल के अंदर इन्वेस्ट नहीं हुआ तो जो 30 डेज है, 3 साल के बाद 30 डेज उसमें ट्रांसफर कर दो गवर्नमेंट को। जा गवर्नमेंट की कुछ कुछ फंड्स होते हैं उनमें आप ट्रांसफर कर दो, हम आपको कंसिडर मान लेंगे कि आपने इन्वेस्ट कर दिया। उनमें आप ट्रांसफर कर दो तो हम आपको कंसिडर मान लेंगे कि आपने इन्वेस्ट कर दिया। देखो, सच अमाउंट शैल बी स्पेंड बाय द कंपनी इन परसुएंस ऑफ इट्स ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स द सोसाइटी एंड शुड बी स्पेंड विद इन द पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर। अगर 3 फाइनेंशियल ईयर में नहीं हो तो ट्रांसफर द CSR टू अ फंड स्पेसिफाइड इन दिस, मतलब 30 दिन में। जो CSR का शेड्यूल 7 है उसमें, शेड्यूल 7 अपनी CSR के बारे में बात करता है, उसमें जो चीजें स्टैब्लिश है कि आप इधर ट्रांसफर कर सकते हो तो वहां आप ट्रांसफर कर दो, ठीक है। तो ये बात हो गई। अगर मान लो उसके बाद भी आपने ट्रांसफर नहीं करा और आपने आपने CSR कमेटी भी नहीं बनाई, आपने CSR का कोई, आपने CSR को इग्नोर मारा, तो क्या होगा? जो डायरेक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कमिटिंग दैट एक्ट शुड बी फाइंड विद फाइन ऑफ ₹50,000 to 50 lakh और विद इम्प्रिजनमेंट टू 1 year to 3 year और बोथ, ठीक है। देखो, कोई फंड को, अगर तुमने CSR कमेटी बनाई है, तुम्हारा 2% फंड निकाल के तुमने CSR को दे दिया है, तो 3 साल में उसको इन्वेस्ट कर दो। 3 साल में इन्वेस्ट नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, जो 30 डेज है 3 साल के बाद उसमें वो चीज़ गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दो। अगर उसके बाद भी नहीं करी तो जो रिस्पॉन्सिबल होगा इन सब चीज़ों के लिए, इन सब बैड चीज़ों के लिए, रूल फॉलो नहीं करने के लिए, उसको 50,000 से लेके, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, 50 लाख तक, और 1 ईयर से लेके 3 ईयर तक, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, या फिर बोथ, इनके बेसिस पर उनको पनिशमेंट होगी, इनके बेसिस पर उनको पनिशमेंट होगी, ठीक है, इनके बेसिस पर उनको पनिशमेंट होगी। तो ये पनिशमेंट का क्राइटेरिया हो गया, इधर लिख देते हैं अपन, जिससे कि नोट्स आपके आए तो नोट्स के अंदर काफ़ी क्लैरिटी रहे। पनिशमेंट क्राइटेरिया, इस बार मैंने नोट्स काफ़ी खुले खुले बनाए, क्योंकि बहुत लोग मेरे को बोल रहे थे कि नोट्स आप सर थोड़े ओपन करके बनाओ, तो इस बार मैंने ओपन, ठीक है, ढंग से बनाया है। अब देखो, CSR का जो फंड है वो कहाँ का स्पेंड हो सकता है, शेड्यूल 7 में कहाँ का दे रखा है। देखो, ये मॉड्यूल में एक पन्ने का मतलब फालतू बातें लिख रखी है, अपन को इतना नहीं करना, जो नॉर्मल नॉर्मल बातें ना वो कर लो यार। देखो, हंगर में कर दो, पावर्टी में कर दो, एजुकेशन प्रमोट करने के लिए कर दो, ये अपने एनवायरनमेंट पे कर दो, वाटर सेव करने पे कर दो, सॉइल सेव करने पे कर दो, फॉरेस्ट सेव करने पे कर दो, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो तो उस पर कर दो, नेचुरल हेरिटेज, नेशनल हेरिटेज, इन सबको बचाने के लिए कर दो। जो अपनी वॉर विडोज होते हैं, वॉर विडोज क्या होते हैं, जिनकी आर्मी में हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उनके लिए कर दो, उनको चीजें लाके दे दो, उनको राशन दे दो। तो सारी चीजें किसमें अपन काउंट करेंगे? CSR में। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज प्रमोट करने के लिए कर दो। PM फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दो। देखो, अभी PM केयर का फंड बनाया है, कोरोना पे
पता होना चाहिए। करंट अफेयर, करंट अफेयर का सेशन भी जल्द आ रहा है। पीएम केयर फंड बना है, पीएम केयर फंड में अगर आप कुछ ये रुपए डोनेट करोगे तो हम आपको कंसिडर करेंगे कि आपने सीएसआर में डोनेट करा है। वुमेन को एम्पावर करने के लिए डोनेट कर दो, रूरल और स्लम प्रोजेक्ट के लिए डिनोट कर दो, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज के लिए डिनोट कर दो, मतलब सोसाइटी में अच्छे काम के लिए, सोसाइटी में अच्छे काम के लिए अगर आप अपनी सीएसआर एक्टिविटीज को करोगे तो हम इसको मानेंगे। कुछ उसमें लिस्ट दे रखी है कि ये एक्टिविटी सीएसआर है, तो मैंने आपको वो लिस्ट बता दी कि ये चीजों में करोगे तो हम मानेंगे कि हाँ आपने सीएसआर में कंट्रीब्यूट करा है। ठीक है, अब देखो बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स फालतू चैप्टर है ये, मतलब चैप्टर नहीं है यार, ये सब है ना चीजें हैं, इनको सीएसआर के बाद कोई भी चीज खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ऊपर ऊपर से। ठीक है, बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं? बिजनेस एथिक्स होते हैं कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो कुन राइट और रॉन्ग आपको पता होना चाहिए। राइट राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिजनेस के अंदर है ना सारी इल प्रैक्टिसेस, सारी माल प्रैक्टिसेस, सारी इविल प्रैक्टिसेस का यूज कर रहे हो। आपको राइट और रॉन्ग का डिफरेंस होना चाहिए। आपको एथिक, एथिक क्या होते हैं? एथिक्स होते हैं हमारे सारे मॉरल वैल्यूज, एथिक्स इज रिलेटेड टू मॉरल वैल्यूज। मॉरल वैल्यूज को साथ में लेकर चलना चाहिए, कुछ भी इनजस्ट काम नहीं करना चाहिए कि आप प्रॉफिट छापे जा रहे हो, प्रॉफिट छापे जा रहे हो, प्रॉफिट छापे जा रहे हो, और जो आपका कंज्यूमर है वो मतलब है ना उसको एक तरीके से क्वालिटी नहीं मिल रही, उसको क्वालिटी नहीं मिल रही, तो वो सारी चीजें बिजनेस एथिक्स के अंदर आती है। इनको पढ़ने की भी एक बार रीड कर लो मॉड्यूल में से तो बिल्कुल जरूरत नहीं है पढ़ने की। इट इज नोइंग व्हाट इज राइट और रॉन्ग इन अ वर्क प्लेस, इट प्रमोट्स गुड इन सोसाइटी। ठीक है, जस्ट रीड द हेडलाइंस। क्या है इसके सेक्रेडनेस ऑफ एंड एंड मील, मीन एंड एंड, इसका मतलब है कि आपका जो लक्ष्य है, जो आपका एंड गोल है, उस तक आपको पहुंचने के लिए जो आपका रास्ता है वो भी सही होना चाहिए। अगर आपका जो एंड गोल है उस तक पहुंचने के लिए आपका रास्ता, आपका मीन सही होना चाहिए। आपको कोई इविल नहीं करना चाहिए, आपको इविल्स के साथ नॉन कॉपरेशन करना चाहिए। बिजनेस के अंदर आपको इविल्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं करना चाहिए, और कॉपरेशन अपने बिजनेस एम्प्लॉयज के साथ देना चाहिए उनको उनको। ठीक है, ये हो गया पब्लिसिटी। आपकी आपकी हर चीज़ है ना पब्लिक होनी चाहिए, आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए अपने सिस्टम के अंदर। इक्वलेंट प्राइस जो मैं पे कर रहा हूँ उतने की आपको क्वालिटी अश्योर करनी चाहिए, आपको उतने का क्वालिटी देना चाहिए, ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं पड़ना चाहिए। यूनिवर्सल वैल्यूज अडॉप्ट होनी चाहिए, जो यूनिवर्सल वैल्यूज होती है बिजनेस के अंदर वो अडॉप्ट करनी चाहिए। आपको ह्यूमन डिग्निटी, अगर कोई आपका एम्प्लॉय कोई वर्क प्लेस में काम कर रहा है तो उसको ह्यूमन डिग्निटी, वो इंसान ही है, वो कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है कि आप उससे काम करवा जाओ, काम करवाए जाओ। आपको ह्यूमन डिग्निटी मेंटेन करके रखनी चाहिए। आपको नॉन वायलेंस एक्टिविटीज, मतलब आपको बिल्कुल वायलेंस नहीं करना चाहिए, और प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रखनी चाहिए। मतलब ये सारी चीज़ें अपन को करनी चाहिए। ये कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा। ये बिजनेस एथिक्स फालतू में बकवास कर रहा है, बकवास तो नहीं कर रहा, सही बात बोल रहा है, पर कोई इन बातों को मानता है आजकल के बिजनेस में? नहीं मानता। इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, सिर्फ एक बार रीड कर लो बिजनेस एथिक्स क्या होता है, कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, सॉरी ये क्या हो गया, एथिकल डायलमा। एथिकल डायलमा क्या होता है? एथिकल डायलमा, एथिकल मतलब हमारे मॉरल वैल्यूज के साथ कभी कभार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या हमें ये करना चाहिए क्या हमें ये नहीं करना चाहिए। अगर हम ये करेंगे तो ये बहुत हार्ड है, इसको अपन कैसे करेंगे? अगर ये अपन नहीं करेंगे तो अपन क्या, मतलब क्यों नहीं करें? तो क्या चीज़ है ये? इन्वॉल्व द नीड टू चूज फ्रॉम टू और मोर एक्सेप्टेबल कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब ए भी कर सकते हैं और बी भी कर सकते हैं, दो रास्ते हैं, या तो अपन उसमें से दोनों सही है तो उनमें से चूज करना, उसे डायलेमा कहते हैं। डायलेमा बोले तो कि हम कंफ्यूज है कि हम ये करें या वो करें, राइट करें या रॉन्ग करें। अगर राइट और रॉन्ग सिचुएशन इन विच राइट वुड बी मोर डिफिकल्ट टू परस्यू एंड रॉन्ग वुड बी कन्वीनियंट। देखो दो सिचुएशन कभी कभार बिजनेस में आ गई कि हम राइट करें या रॉन्ग करें, तो राइट तो करना बहुत मुश्किल है और रॉन्ग करना बहुत आसान है, तो ह्यूमन टेंडेंसी क्या बोलेगी? रॉन्ग कर दे। तो इन सिचुएशन में हमको बहुत केयरफुली डिसीजन लेने चाहिए। तो एथिकल ड्रामा में आपके, एथिकल डायलेमा में आपके ये दे रखा है और बिजनेस एथिक्स में ये दे रखा है। इसके बाद अपन क्या करेंगे? इसके बाद हम सिर्फ डायरेक्टर्स बच रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, इसको भी अपन अभी फिनिश कर लेते हैं। हाँ, तो अब देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। देखो तुम्हें मैंने बताया कि कंपनी को, एक कंपनी को चलाता कौन है? उसके डायरेक्टर चलाते हैं। एक कंपनी को चलाता कौन है? डायरेक्टर्स का विजन चलाता है।
डायरेक्टर्स आर द वंस हु टेक्स द कंपनी टू इट्स विजन, टू इट्स पाथ ऑफ सक्सेस. ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिफाइन कहा है, देखो एक और सेक्शन आया, सेक्शन 2B में डिफाइंड है. किस में है? सेक्शन 210 में, सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 में क्या डिफाइंड है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गिवन है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिफाइंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन रिलेशन टू कंपनी एंड इट मीन्स दैट अ ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूट टू डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरवाइज द अफेयर्स ऑफ कंपनी. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या है? सेक्शन 210. हमारा सेक्शन स्टार्टिंग में कंपनी का आया, सेक्शन 8 आया, सेक्शन 210 आया, और इससे पहले अपन दो सेक्शन देख चुके हैं जिसके अंदर बिजनेस मैटर और स्पेशल मैटर्स थे. ठीक है, तो अब देखो मेरी बात, और सेक्शन आ रहे हैं आगे, 149(1), 149(1) और 149(3). इनमें क्या बात कर रखी है? इनमें ये बात कर रखी है कि कोई पब्लिक कंपनी हो, पब्लिक का मतलब क्या हुआ, मिनिमम 7 मेंबर्स एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 200 मेंबर, एंड 1% कंपनी इज मिनिमम एंड मैक्सिमम 1 मेंबर. पर उनके डायरेक्टर्स कितने भी हो सकते हैं. अगर 1% कंपनी है तो मिनिमम 1 डायरेक्टर और 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, प्राइवेट कंपनी हो तो 2 से लेकर 15 हो सकते हैं, और पब्लिक कंपनी हो तो 3 से लेकर 15 हो सकते हैं. ये क्या है? ये डायरेक्टर्स के बारे में. ये किधर बताया है? ये 149 सेक्शन 149 सब क्लॉज 1 में बताया है. पर ये रिस्ट्रिक्शन है ना, सेक्शन 8 कंपनी में वैल्यू नहीं करती. मतलब सेक्शन 8 कंपनी में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी किसकी होती है? नो प्रॉफिट कंपनी, चैरिटी वाली कंपनी होती है, तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन अपनी एप्लीकेबल नहीं होती. अब सुनो मेरी बात, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सबसे पहले अपन ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिफाइन का होता है ये कर लिया, मिनिमम मैक्सिमम का फिगर याद कर लेना, पेपर में एमसीक्यू में आ सकता है, सेक्शन भले ही मत करना सॉरी, पर मिनिमम मैक्सिमम का फिगर जरूर कर लेना. अभी सेक्शन में क्या होता है, इस सेक्शन में बोला है एवरी कंपनी प्रोवाइड्स दैट एवरी कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर हु स्टेड इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 182 डेज इन प्रीवियस कैलेंडर ईयर. मतलब ये जो मिनिमम मैक्सिमम है ना, इसमें एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो पिछले साल, जो लास्ट ईयर, कम से कम मिनिमम ऑफ 182 डेज इंडिया में रहा हो, वो ही एक तो डायरेक्टर होना ही चाहिए. ऐसा कहाँ बोला है? ऐसा इस सेक्शन में बोला है. देखो ये वाला जो पार्ट है थोड़ा रटने वाला है, कि तुम रोज रिवाइज करोगे तो समझोगे, बाकी इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. जो कॉन्सेप्ट थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है, कंपनी क्या होती है, डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ. अब ये थोड़ा इनके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता. ठीक है, तो सेक्शन 210 हो गया, पब्लिक प्राइवेट 1% कंपनी हो गया, एवरी कंपनी शैड हैव, इसमें देखो सेक्शन याद भले ही मत रखो, 182 डेज वाला फिगर याद रख लेना, इसमें सेक्शन भले ही याद ना रखो, मिनिमम मैक्सिमम डायरेक्टर्स याद रख लेना, और रिस्ट्रिक्शन कहाँ नहीं होती, सेक्शन 8 कंपनी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती. अब देखो मेरी बात, कंपनी बनती है, कंपनी का फॉर्मेशन हो गया, कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, तो उसके बाद फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन होएंगे? मतलब फर्स्ट डायरेक्टर्स के बारे में कहाँ, फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन हो गए उस कंपनी के? तो फर्स्ट डायरेक्टर्स वो हो गए कि जब कंपनी रजिस्टर होगी तो कोई MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में किसी का नाम स्पेसिफाई करेगा, तो वो फर्स्ट डायरेक्टर बन जाएगा. नहीं तो उसके बाद में अगर आर्टिकल्स में कुछ नहीं बोला तो जो मेंबर्स डिसाइड करेंगे, जो मेंबर्स या शेयर होल्डर्स, जो मेंबर्स या शेयर होल्डर्स डिसाइड करेंगे वो बन जाएंगे फर्स्ट डायरेक्टर. अगर इन दोनों से कुछ नहीं हुआ तो सारे लोग जो उस कंपनी को सब्सक्राइब करके बैठे, जो सारे लोग हैं, ऑल द शेयर होल्डर्स एंड सब्सक्राइबर विल बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर, ऑल द शेयर होल्डर्स एंड सब्सक्राइबर्स विल बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर्स. ठीक है, सब्सक्राइबर विल बिकम फर्स्ट डायरेक्टर. फर्स्ट डायरेक्टर का मतलब फर्स्ट टाइम डायरेक्टर कौन होगा कंपनी के. कंपनी अपन ने रजिस्टर कर ली तो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर कौन होगा, या तो उसके MOA या AO में मेंशनड हो, या फिर उसके शेयर होल्डर्स डिसाइड कर ले, या फिर सारे शेयर होल्डर को बना दो. ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता, पर ऐसे ही अपने कंपनी लॉ में सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए दे रखा है. ना तो आर्टिकल्स और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कुछ बोल रहे, ना शेयर होल्डर्स कुछ डिसाइड कर पा रहे, तो क्या करो, सारे शेयर होल्डर्स को तुम लोग फर्स्ट डायरेक्टर
बना दो। अब यही चीज मैंने यहाँ लिखी है, हु विल बी द फर्स्ट डायरेक्टर नंबर वन एज मेंशन इन आर्टिकल्स। आर्टिकल्स बोले तो एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जब कंपनी बनती है तो अपन ने इसको डिस्कस करा है, उनमें कोई मेंशन होता है उसको बना दोगे। इफ द आर्टिकल्स आर साइलेंट, मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स विल डिसाइड दैट हु विल बी द फर्स्ट डायरेक्टर। और इफ बोथ नॉट पॉसिबल देन ऑल द इंडिविजुअल सब्सक्राइबर शैल बी डीम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर अनलेस द नेक्स्ट डायरेक्टर इज अपॉइंटेड। मतलब जब तक अगला डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होता, सारे लोगों को फर्स्ट डायरेक्टर बना दिया जाएगा, ऐसा इस कॉन्सेप्ट ने बोला। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप देखो, कोई भी पर्सन डायरेक्टर तब तक नहीं बन सकता जब तक उसको ये जो रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस है, ये एक DIAN नंबर, इतना ध्यान नहीं रखना। हाँ, तो अपन बोल रहे थे सिर्फ DIAN ध्यान रखना है अपन को, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब तक ROC रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस इशू नहीं करता, कोई भी फर्स्ट डायरेक्टर नहीं बन सकता। उसके बाद डायरेक्टर को डिक्लेरेशन भी देनी होती है कि भाई ये तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के अंदर पढ़ा था कि डायरेक्टर को डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि क्या मैं, मेरे पे कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी का केस नहीं चल रहा, मैं एलिजिबल हूँ, मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूँ बाय लॉ टू बिकम द डायरेक्टर। सो फर्स्ट थिंग इज दैट नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड डायरेक्टर अनलेस ही हैज बीन अलॉटेड DIAN नंबर बाय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ऑफिस। ठीक है, डिक्लेरेशन शुड बी गिवन बाय द डायरेक्टर दैट ही इज फिट फॉर द जॉब ऑफ डायरेक्टर एंड नो केस हैज बीन करेंटली गोइंग ऑन इन रिलेशन टू द फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज ऑफ एनी कंपनी ही वॉज प्रीवियसली वर्किंग फॉर। ठीक है, उसके बाद अ पर्सन अपॉइंटेड डायरेक्टर शैल एक्ट एज अ डायरेक्टर अनलेस ही गिव्स शैल नॉट। देखो, हमने डायरेक्टर तो अपॉइंट कर दिया, अपॉइंट और एक्ट में फर्क होता है। अब किसी को अपॉइंट करना और कोई किसी को एक्ट करना, मतलब पहले अपॉइंटमेंट होगा फिर वो ऑफिस को होल्ड करके संभालेगा, तो कंसेंट देनी होती है। 30 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट होने के बाद डायरेक्टर को कंसेंट देनी होती है ROC के अंदर कि यस आई एम एक्सेप्टिंग दिस पोस्ट एंड आई विल वर्क एज डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी फ्रॉम दिस डेट। मतलब कंसेंट देनी होती है डायरेक्टर की। सिर्फ पढ़ लो, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है। जैसे जैसे मॉड्यूल में गिवन है वैसे वैसे मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट डायरेक्टर कहाँ मेंशन है। हमने बता दिया DIAN नंबर का बता दिया, उसके बाद डिक्लेरेशन बता दी डायरेक्टर की और फिर कंसेंट बता दिया डायरेक्टर का। अब देखो, अब रोटेशनल डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, अपन करते हैं, रुको 1 मिनट। रोटेशनल डायरेक्टर, देखना मेरी बात सुनो। आफ्टर द फर्स्ट डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड, फर्स्ट डायरेक्टर्स अपॉइंट हो गए, उसके बाद एक फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होगी। देखो, पब्लिक कंपनी में क्या होता है, मैं तुम्हें समझाऊं। इसमें मॉड्यूल में गिवन है अपने, पब्लिक कंपनी के अंदर, पब्लिक कंपनी में 2/3 डायरेक्टर होते हैं रोटेशनल डायरेक्टर और बाकी 1/3 डायरेक्टर नॉर्मल होते हैं। मतलब इसका एग्जाम्पल क्या है, अगर एग्जाम्पल देखो, अगर किसी कंपनी में 10 डायरेक्टर है तो 10 का 2/3, 10 नहीं, इसको 12 कर लो, डायरेक्टर 12 है तो 12 का 2/3 कितना हुआ, 4 जा 8, 8 डायरेक्टर तो आपके रोटेशनल होएंगे। और 1/3 डायरेक्टर का मतलब क्या हुआ, 4। देखो, 8 तो आपके रोटेशनल, RD रोटेशनल डायरेक्ट होएंगे जो कि हर एनुअल जनरल मीटिंग में रिटायर होएंगे। मतलब अगर कोई पब्लिक कंपनी फॉर्म करता है तो उसके 2/3 तो रोटेशनल डायरेक्टर होएंगे जो कि अगली बार, जो कि हर एनुअल जनरल मीटिंग में रिटायर्ड हो गए, और 1/3 हमारे नॉर्मल डायरेक्टर्स हो गए। तो यही बात लिखी है, आफ्टर द फर्स्ट डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग विल हैपन ऑफ पब्लिक कंपनी एंड देन आफ्टर एवरी सब्सिक्वेंटिंग मीटिंग, आफ्टर एवरी सब्सिक्वेंटिंग मीटिंग 1/3 आर लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन। देखो, पब्लिक कंपनी के अंदर 2/3 डायरेक्टर मस्ट बी रोटेशनल एंड 1/3 डायरेक्टर विल रिटायर एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट AGM। ठीक है, मतलब वही बोल रहा हूँ मैं, 2/3 होते हैं, 2/3 डायरेक्टर्स रोटेशनल डायरेक्टर्स होते हैं, 1/3 डायरेक्टर नॉर्मल होते हैं। इस 2/3 में से हर 1/3 को हर साल रिटायर होना पड़ता है, हर 1 साल रिटायर होना पड़ता है। कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो पिंक करना, 2/3 डायरेक्टर मस्ट बी रोटेशनल एंड 1/3 डायरेक्टर विल रिटायर एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट AGM। ठीक है, अब ये रिटायर कैसे होते हैं, ये रिटायर ऐसे होते हैं कि किसी ने, जिसने सबसे ज़्यादा सर्व करा हो ना, वो पहले रिटायर्ड होता है। दैट इज लॉन्गेस्ट सर्विंग विल रिटायर फॉर द पर्सन हु आर अपॉइंटेड डायरेक्टर्स ऑन द सेम। देखो, ये जनवरी में
और ये जनवरी में, ये 15 जनवरी को डायरेक्टर अपॉइंट हुआ, ये 14 जनवरी को डायरेक्टर अपॉइंट हुआ, तो रिटायर कौन होगा? 1/3 मेंबर रिटायर्ड होएगा। अब रिटायर्ड किस बेसिस पे हो गए कि ये जो जिसका जिसका पहले अपॉइंटमेंट हो चुका है, जो पहले अपॉइंटेड है वो फर्स्ट रिटायर्ड होगा। द वन हु इज अपॉइंटेड फर्स्ट इज रिटायर्ड फर्स्ट, मतलब जिसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा होगा वो रिटायर्ड होगा। अगर मान लो दो डायरेक्टर्स दोनों को सेम तारीख को बनाया, तो इसमें से रिटायर कौन होगा? इसमें से वो रिटायर होगा जो जब ये सेम डायरेक्टर बने होंगे ना, इनके बीच में कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा कि तू सीनियर है मैं जूनियर हूँ, म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा उसके बेसिस पे रिटायरमेंट होगा। तो यही चीज लिख रखी है, लॉन्गेस्ट सर्विंग विल रिटायर एंड फॉर लॉन्गेस्ट सर्विंग रिटायर, और उसके बाद नेक्स्ट है फॉर द पर्सन हु आर अपॉइंटेड डायरेक्टर्स ऑन द सेम डे दो शैल रिटायर विद सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट दैट वाज हैपेंड। ठीक है, अब देखो न्यू डायरेक्टर, हमने ये बताया था कि डायरेक्टर का रिमूव और अपॉइंट करने का प्रोसीजर एजीएम में होता है, जो अभी अपन ने आगे डिस्कस करा है ना बिजनेस मैटर्स और ये मैटर्स, उसमें अपन ने अड्डा करके कोई चीज बताई थी, तो वो बोलता है कि एजीएम के अंदर ही आप न्यू डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो और एजीएम के अंदर ही आप डायरेक्टर रिमूव कर सकते हो। ठीक है, अब देखो मेरी बात, एक और चीज है, मान लो मान लो मान लो मान लो मान लो मान लो, दिख रहा है आपको? हाँ, एजीएम के अंदर डायरेक्टर तो अपन ने अपॉइंट कर, अब डायरेक्टर को रिमूव कर दिया, पर एजीएम के अंदर हम किसी कारण के कारण अपॉइंट नहीं कर पाए डायरेक्टर को, अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, टाइम खत्म हो गया, कोई फ्लड आ गया, कुछ हो गया, मतलब कुछ भी कंडीशन हुई जिससे एजीएम के अंदर अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया, तो क्या करेंगे? तो किसी भी जनरल मीटिंग में एक एडिशनल डायरेक्टर बना देंगे, एडिशनल डायरेक्टर। देखो यही चीज मैंने यहाँ लिख रखी है, नो न्यू डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड, नो नाउ नाउ है वो, सॉरी, न्यू डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड इन एजीएम, बट इफ बाय एनी प्रॉब्लम अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू डायरेक्टर फेल्स, देन ऑल्सो एन एडिशनल डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड एनी टाइम हु शैल होल्ड ऑफिस अंटिल नेक्स्ट एजीएम। मतलब अगर किसी कारण से इसका अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया, तो एडिशनल डायरेक्टर बना देंगे, किसी भी मीटिंग में एडिशनल डायरेक्टर कंपनी अपॉइंट कर देगी, जो कि डायरेक्टर कब तक रहेगा? नेक्स्ट एजीएम तक डायरेक्टर रहेगा। ठीक है, एक बात हो गई। एजीएम में ऐसी चीजें भी होती है कि जो रिटायर हो गया ना पर्सन, उसको दोबारा रीअपॉइंट कर दिया। अब तुम बोलोगे इसका फायदा क्या हुआ? देखो इसका फायदा कुछ नहीं है, डराने की बात होती है कि आपका रिटायरमेंट आ रहा है, आप अच्छा काम करोगे तो हम आपको रीअपॉइंट कर देंगे, और आपका रिटायरमेंट आ रहा है, अगर आप हमसे कॉपरेट नहीं करोगे, कंपनी को मदद नहीं करोगे, तो हम आपको दोबारा अपॉइंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। अब लास्ट है हमारा डायरेक्टर्स का रिमूवल। डायरेक्टर्स का रिमूवल ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, अपन ने ऊपर पढ़ा ओआर, ये मैंने आपको इसलिए बताया, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मतलब कि ठीक है भाई, सिंपल सादा रिजोल्यूशन मिल जाए, मेजोरिटी मिल जाए, तो उसको अपन रिमूव कर सकते हैं। पर किस डायरेक्टर को अपन रिमूव नहीं कर सकते? तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। कभी कभार क्या होता है, ये जो नेशनल कंपनी गवर्नमेंट की है, स्ट्रेटेजी अथॉरिटी है, ये कभी कभार कोई डायरेक्टर अपॉइंट करती है कंपनी की देख रेख करने के लिए कि ये कंपनी में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही, कि कंपनी के लोग ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो उस कंपनी के उसको आप रिमूव नहीं कर सकते, वो तो गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा है, वो गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल है, आप कोई नहीं हो। ठीक है, अब देखो एक नोटिस देना पड़ेगा डायरेक्टर को रिमूव करने से पहले, एक नोटिस देना पड़ेगा कि भाई हम तेरे को रिमूव करने वाले हैं, भाई बताओगे तो सही उस डायरेक्टर को कि मैं रिमूव हो रहा हूं। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बीइंग अपॉइंटेड कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय पासिंग। अब देखो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है? जिसने कोई शेयर होल्डिंग नहीं कर रखी, नो शेयर्स इन कंपनी। अगर ये अपन ने रीअपॉइंट कर रखा है, इसको अपन ने सेकेंड टर्म दिया है, रीअपॉइंटेड मतलब सेकेंड टर्म दिया है, और अपन को इसको रिमूव करना है, तो इसको रिमूव स्पेशल रेजोल्यूशन से होता है, बस इतना रट लो, इसमें ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत शॉर्ट के अंदर आपको मॉड्यूल के सारे पॉइंट्स कवर करा दिए हैं, और कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे पिंग कर लेना। अपन ने ये चैप्टर कंप्लीट कर ली, अपन ने इसकी सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अपन ने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली, मीनिंग से लेके हर चीज़। इसके नोट्स नोट्स विल बी प्रोवाइडेड एट व्हाट्सएप। ठीक है, कोई क्वेरी हो तो बताना, व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर देना, ये नीचे वाला जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप का मैसेज नंबर है। ठीक है, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ग्रुप पे हमारे नोट्स आ जाएंगे, या फिर मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना तो मैं नोट्स भेज दूंगा, और एमसीक्यूज और जल्द आएंगे, एक बार अपना कोर्स कंप्लीट हो फिर एमसीक्यूज भी आएंगे। तो आज हमने कंपनी लॉ को एंड कर दिया, कंपनी लॉ अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।
डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल यार। देखो सब्सक्राइब करते हो ना मोटिवेशन मिलता है, और कोई बात नहीं है कि इतने सब्सक्राइबर हैं, इतने लोग मेरे चैनल में देख के बेनिफिट उठा रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच। ओके।